हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्लीव्स डिज़ाइन शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो उसको देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स का कटिंग से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है, ये देखिए, यहाँ से मैंने डबल फोल्ड किया है और मेरे तरफ मैंने जॉइंट साइड को रखा है और इस तरफ मैंने ओपन साइड को रखा है। और देखिए स्क्रीन पर मेरे जो मेज़रमेंट है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। आप अपने मेज़रमेंट यहाँ पे रखिए और फिर मार्क लगाना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्लीव्स का लेंथ पे मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 9 इंच लेंथ रख रही हूँ। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए लेंथ पे। तो मेरा यहाँ पे 9 इंच मैं लेंथ रखूँगी और उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 10 इंच पे मार्क लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने मार्क लगाया है और उसी 10 इंच पे ऊपर में सीधा इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ से हम स्लीव्स आर्मोल लेंगे और यहाँ पे मेरा स्लीव्स आर्मोल है 9 इंच, यहाँ पे हमें मार्क लगाना है। और बिल्कुल सेम तरीके से नीचे भी मैं स्लीव्स आर्मोल 9 इंच पे यहाँ पे मार्क लगाऊंगी और इसके बाद ऊपर से इस लाइन को मिला देना है, मतलब एक बॉक्स टाइप बनेगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना है, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद ऊपर से आप 3 इंच पे नीचे की तरफ एक मार्क लगाएंगे, 3 इंच पे हम डाउन करेंगे। फिर देखिए आपको यहाँ से इस तरीके से तिरछी में लाइन को ऊपर में मिलाना है, देखिए इस तरीके से। आप बिल्कुल इस तरीके से तिरछी में मिलाइए, कुछ भी सेप पहले देने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इस तरीके से लाइन को सीधा कर लीजिए। उसके बाद मेरा स्लीव्स राउंड है 10 इंच, उसका हमें हाफ पे मार्क लगाना है, यानी कि 5 इंच। और फिर मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 1.25 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप चाहे तो 2 इंच तक ले सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे हमने 3 इंच पे डाउन किया था वहाँ से हम इस लाइन को इस तरीके से नीचे मिला देंगे, देखिए इस तरीके से। मिलाने के बाद अब हमने जहाँ पे 3 इंच पे डाउन किया था वहाँ से हम यहाँ पे स्लीव्स का जो ऊपर का शेप होता है आर्मोल की, वहाँ पे वो शेप हमें इस तरीके से देना है, देखिए इस तरीके से। हमने स्लीव्स का मार्किंग कर लिया है, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए तो इस तरीके से आप अपने मेज़रमेंट से आप स्लीव्स का मार्किंग करके कटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से एक तरफ से 1/2 इंच का गहराई भी दे दीजिए, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए बिल्कुल मिडिल से हमें स्लीव्स को कट कर लेना है। देखिए ये कट देने के बाद ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा दोनों ही पार्ट, देखिए इस तरीके से। तो मैं इसको बिल्कुल अस्तर के बिना बना रही हूँ, विदाउट अस्तर बना रही हूँ। आप अगर अस्तर के साथ बना रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं, ये कॉटन का कपड़ा है तो इसलिए मैं इसको बिना अस्तर के बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी और साइड से सिलाई लगाऊँगी। देखिए जो हमारा सीधा साइड होगा वहाँ से हम सिलाई लगाएँगे और ये हमें दोनों ही पार्ट में कर लेना है। देखिए इस पार्ट में भी हम इसको उल्टे तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए तो दोनों में ही साइड से मैंने सिलाई लगा लिया है। और इसके बाद डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में रेड कलर की पट्टी लिया है और इसका चौड़ाई 1.5 इंच मैंने लिया है। देखिए इसको साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और साइड से यहाँ पर आप सिलाई लगाइए इस तरीके से। देखिए तो इसको साइड से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको किसी भी नोक वाले चीज़ से पलटना है। आप चाहे तो सुई धागे से भी पलट सकते हैं इसे। देखिए मैंने यहाँ पे स्पोक का यूज़ कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से आपको पलट लेना है। और पलटने के बाद आप यहाँ पे ऊपर से एक बार आयरन से ज़रूर प्रेस लगा लीजिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस लगा के इस पट्टी को बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब मैं इसको 3 इंच का यहाँ पर पट्टी कटिंग करूँगी छोटे छोटे से, देखिए 3 इंच पर मैंने मार्क लगाया है और इसको मैं कट कर लूँगी। और जितनी बड़ी आप पट्टी बनाएंगे उसमें आप पूरे 3 इंच का इस तरीके की पट्टी कटिंग कीजिए ताकि बाद में आपको कम ना पड़े। देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग किया है। अब मैं डिज़ाइन के लिए जो हमने स्लीव्स सिलाई लगाई थी वहाँ पे हम इसको लगाएंगे। इसके बाद गई इस पट्टियों को अटैच करने से पहले नीचे से आप 1/2 इंच छोड़कर एक मार्क लगाएंगे, ऊपर से भी आप 1/2 इंच छोड़कर इस तरीके से मार्क लगा लीजिए। इसके बाद हम पट्टियों को अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए देखिए जहाँ पे हमने ऊपर से 1/2 इंच छोड़ा था उसके बाद से आप कितना गैप रखेंगे पट्टियों का अटैच करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का गैप रख रही हूँ, देखिए 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें यहाँ पे मार्क लगाना है। आप चाहे तो 1 इंच का भी गैप रख के आप पट्टियों का अटैच कर सकते हैं। तो पहले आप इस तरीके से मार्क लगा लीजिए और उसके बाद इसी मार्क के ऊपर हम पट्टियों को लगाएँगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा स्लीव्स है उसका बिल्कुल पीछे की तरफ हम पट्टियों को लगाएंगे और ऊपर से हम सिलाई लगाते जाएंगे।
जहाँ पे भी आप मार्क लगाएंगे उसी मार्क पे आप इस तरीके से पट्टियों को रखिए और इस तरीके से आप सिलाई लगाते जाए। ऐसे ही हमें इसको लगाना है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमने एक साइड में पट्टी अटैच कर लिया है। अब जो भी हमारा स्लीव्स का दूसरा पार्ट होगा वो हमें इसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पे मिडिल में जो भी आप गैप रखेंगे वो आप अपने मर्जी से रख सकते हैं। यहाँ पे आप 2 इंच चौड़ाई का गैप रखें या फिर आप 1.5 इंच चौड़ाई का गैप रखें, वो आप अपने पसंद से आप रख सकते हैं। तो देखिए गाइस, दूसरे पार्ट को यहाँ पे अच्छे से अटैच करना है। आपको पट्टियों को हाथ से फिनिशिंग देते जाना है और अच्छे से आप यहाँ पे अटैच कर लीजिए। तो अटैच करने के बाद देखिए, पीछे से अगर इस तरीके की आपका ज़्यादा होगा तो आप उसको कट कर सकते हैं, और अगर आप इसको अस्तर के साथ बना रहे हैं तो नीचे से आप सिलाई लगा के इसको पलट के पीछे की तरफ आप अस्तर भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, बिल्कुल कॉर्नर से आप एक सिलाई लगा लीजिए ताकि बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए। एकदम कॉर्नर से आप दूसरे तरफ भी सिलाई लगाइए। तो इसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ फ्रिल बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, 3.5 इंच का यहाँ पे मैंने पट्टी लिया है, 3.5 इंच का। उसको साइड से इस तरीके से फोल्ड करके साइड से आपको सिलाई लगाना है। देखिए इस तरीके से मैं साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए आप सिलाई लगाइए। तो चौड़ाई में 3.5 इंच मैंने लिया है और लंबाई में आप यहाँ पे 1.5 से 2 मीटर तक आप इसका लंबाई लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगाया है और इसको पलटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए, जो स्लीव्स का कपड़ा है वो मैंने लिया है 1.5 इंच का। ये देखिए मैंने 1.5 इंच का चौड़ाई में लिया है और इसे भी आप बिल्कुल सीधे तरफ डबल फोल्ड कीजिए। देखिए इस तरीके से एक तरफ आप फोल्ड करके साइड से आप सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो इस पट्टी को तैयार किया था इसका बिल्कुल नीचे की तरफ पाइपिंग की तरह इसको अटैच करना है। देखिए इस तरीके से आपको नीचे की तरफ रखना है और बिल्कुल कॉर्नर की एक सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हमें इस पट्टी को एक साथ में रेडी करना है और इसके बाद जो भी हमारा स्लीव्स है इसके ऊपर नीचे की तरफ हम इसको फ्रिल बनाएंगे। देखिए इस तरीके से इसको उल्टे तरफ करके रखना है और फ्रिल हमें इस तरीके से बनाना है। देखिए तो एक फोल्ड हम इस तरफ करेंगे और दूसरा फोल्ड हमें उसी का सामने इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाना है, और इसी तरीके से हम बाकी के फ्रिल को भी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से आप बनाइए। देखिए इस तरीके से फ्रिल बनाने के बाद हमने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ाई का आप यहाँ पे पट्टी लीजिए, 1.5 इंच चौड़ाई का, और ये हम अच्छे फिनिशिंग के लिए इस पट्टी को हम अटैच करेंगे। सीधे तरफ हम फ्रिल के बिल्कुल नीचे की तरफ हम इस पट्टी को अटैच करेंगे और इसके बाद दूसरे तरफ हम इस पट्टी को डबल फोल्ड करके अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से दूसरे तरफ आप लीजिए और वहाँ पर इस पट्टी को नीचे की तरफ डबल फोल्ड करके अटैच कर लीजिए। सो इसका अटैच करने के बाद हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। देखिए तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। धन्यवाद।